अक्सर हम लोग ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट इन तीनों के बारे में सुनते होंगे, और इन तीनों वर्ड को सुनने के बाद इन तीनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा, और कईयों को तो इन तीनों का मतलब एक ही रहता है। तो इसलिए आज इस वीडियो को देखते रहिए, और आज मैं आप लोगों को ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं वो पूरी वर्ल्ड इनोवेशन से ड्राइव हो रही है, रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ग्लोबली काम हो रहा है। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का इनोवेशन में KPMG सर्वे 2018 के हिसाब से इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट टेक इनोवेशन लीडर इन वर्ल्ड का ऑनर मिला था। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सिग्निफिकेंट का रियलिटी शो करता है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट में प्रमोशन, ग्रोथ और इनोवेशन को प्रेजेंट करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ रिसेंट ईयर में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग लीगल फील्ड है। ये प्रिटी ऑब्वियस है कि बिना किसी के इनोवेशन और इन्वेंशन के सिक्योरिटी के एश्योरेंस के कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल अपना टाइम, एफर्ट और मनी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और ग्रोथ दोनों इनोवेशन में एक साथ काम करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डोमेन बहुत ही ज्यादा वास्ट है, लेकिन इसका गुड अंडरस्टैंडिंग होना इसेंशियल है। जैसे हमें मोस्ट कॉमन राइट IP प्रोटेक्शन के थ्रू मिलते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये तीनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ही आते हैं। ये ऑब्वियस है कि लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत कॉपीराइट से करते हैं। कॉपीराइट ओरिजिनल आर्टिस्ट के वर्क को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें फोटोज, बुक्स, मूवी, सॉन्ग, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर कोड्स, आर्किटेक्चर्स और इसमें इवन आर्टिकल्स इंक्लूडेड हो सकते हैं। कॉपीराइट में उसके ओनर को अपने वर्क को रिप्रोड्यूस कर मनी अर्न करने का एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड किया जाता है। इसका प्रिंसिपल सिंपल है, अगर आप या कोई भी अपना कुछ ओरिजिनल क्रिएट करता है तो उसे आप चूज कर सकते हैं कि उसके साथ क्या करना चाहिए। कॉपीराइट टाइम ऑफ क्रिएशन से ऑटोमेटिक होता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होकर उसे और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कॉपीराइट में क्रिएटर को अपने ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क सबमिट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके लिए राइट ऑटोमेटिक बिगिनिंग से ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्रिएटर्स को अपने वर्क को फर्दर प्रोटेक्शन करने के लिए रजिस्टर कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कई रियल बेनिफिट्स के साथ आते हैं, जैसे अगर किसी ने आपके वर्क को आपके विल के अगेंस्ट यूज किया है तो आप उससे अपने डैमेज को सीक कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर कोई डुप्लीकेट आ जाता है तो अगर आप अपने कॉपीराइट को रजिस्टर कर चुके हैं तो आपका लाइफ अलॉट इजियर हो जाएगा, क्योंकि उसे प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने वर्क को कॉपीराइट रजिस्टर करवाने में मॉनेटरी रूप से कैपेबल नहीं है तो वो पुअर मैन कॉपीराइट का यूज कर सकता है। इसके अंदर आप अपने आइडिया या आर्टवर्क को खुद को ही मेल कर देते हैं, जिस वजह से वो आर्टवर्क एक डेट के साथ कहीं सर्वर पे स्टोर हो जाता है और वो आपको फ्यूचर में कई तरीके से हेल्प कर सकती है। अब आता है ट्रेडमार्क। मोस्ट पीपल जब ट्रेडमार्क के बारे में सोचते हैं तो वो ब्रांड नेम लाइक कोको कोला, एप्पल, मैकडोनल्ड सोचते हैं। ये सब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इसका कैटेगरी इवन ब्रॉडर है। एक ट्रेडमार्क एक वर्ड, फेज, सिंबल और डिवाइस या कोई भी मार्क हो सकता है, जिससे किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सके। ट्रेडमार्क बिजनेस और पब्लिक दोनों को प्रोडक्ट्स के बीच डिफरेंस क्लियर करता है। कोई भी सोडा कंपनी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन बस एक ही सोडा कंपनी अपना नाम कोको कोला रख सकती है। अभी तक मात्र गुड्स और सर्विसेज के लिए 45 ट्रेडमार्क कैटेगरीज हैं। इसका मतलब सिमिलर आइटम को यूजुअली एक क्लास में कंबाइन कर दिया जाता है, लेकिन ये हमेशा ऑब्वियस नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस किसी क्लास में बिलोंग करे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 29 में प्रिजर्व्ड, फ्रोजन, ड्राइड, कुक्ड फूड और वेजिटेबल्स आते हैं, लेकिन इसमें बेबी फूड इंक्लूडेड नहीं होता, जो क्लास 5 में लाई करता है। वैसे ही क्लास 13 में फायरवर्क आते हैं, लेकिन इसमें मैचबॉक्स इंक्लूडेड नहीं है। कॉपीराइट की तरह ही ट्रेडमार्क में भी कुछ कॉमन लॉ प्रोटेक्शन मिलते हैं, इवन इफ अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी। लेकिन अनलाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को फॉरएवर के लिए रिन्यू किया जा सकता है। अब पेटेंट के बारे में जानते हैं। तो अगर आपको पेटेंट के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप उसे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है।
पेटेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जाता है। ये किसी पार्टिकुलर थिंग के इन्वेंटर को उस चीज के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे एक्सक्लूसिव राइट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक प्रोवाइड करता है। इसका बेसिक आइडिया इन्वेंटर को एनकरेज करना और उसके क्रिएशन को सेफगार्ड करना होता है। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट में किसी भी इन्वेंशन के वर्किंग को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे अगर किसी ने स्विच बनाया और स्विच का काम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ऑन या ऑफ करना है तो कोई और दूसरे डिजाइन का स्विच नहीं बना सकता, तो ये यूटिलिटी पेटेंट के अंदर लाई करता है। सेकंड, डिजाइन पेटेंट। इसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के ओरिजिनल या न्यू डिजाइन को कवर किया जाता है। और थर्ड, प्लांट पेटेंट। ये उसे मिलता है जो किसी नई काइंड के प्लांट जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कैपेबल हो उसे डिस्कवर या इन्वेंट किया हो। पर पेटेंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस इन्वेंशन से रिलेटेड सब कुछ डिस्क्लोज करनी होती है। अगर किसी को एग्जिस्टिंग इन्वेंशन और उसके पेटेंट के बारे में जानना हो कि कोई इन्वेंशन अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो गूगल पेटेंट्स पे जाकर इसके बारे में सर्च कर सकता है। तो बेसिकली कॉपीराइट इनटेंजिबल चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि सॉन्ग, आर्टवर्क, बुक्स, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर कोड्स एट्सेट्रा। ट्रेडमार्क के अंदर किसी भी कंपनी के स्लोगन्स, उसके लोगो, उसका नाम और कोई फ्रेज आता है। और पेटेंट के अंदर टेंजिबल चीज़ें आती है या फिर कोई इनटेंजिबल सा आइडिया जिसका आगे जाकर टेंजिबल फॉर्म लेने का कोई स्कोप हो। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट इन तीनों के बारे में और इसका डिफरेंस जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।